मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हदीस सियासिता की या पीडी हदीस है, पर मैं जिसने खुश हो के माँ बाप का चेहरा देखा कबूल आज का सवाब। कौन से वाले आज का सवाब? चेहरा किदा देखना है? देखना केंजे खुश हो के। हजरत साद बिन उबादा, ये लफ्ज जो है ये इमाम बहकीन, हजरत साद बिन उबादा खड़े हो गए, हुजूर जो तीन दफा देखे, फरमाया तीन आज का सवाब। साद बिन उबादा ने कहा हुजूर तीन दफा देखे तो फरमाया तीन आज का सवाब। और ये नसीबों वाले हो जिनके पास काबा मौजूद है, कई दफा काबा ही नहीं रहता, मेरे जैसे ऐसे भी बद नसीब है काबा ही नहीं रहता, वो तरसते फिरते हैं कि मौला मेरे पास भी काबा होता मैं कई दफे हज करता। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू दरदा खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने 10 बार देखा तो मेरे नबी ने फरमाया 10 आज का सवाब। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे हुजूर जिसे काम ही कोई ना हो, माँ थी ना उनके पास और कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन माँ की नौकरी, या रसूलल्लाह काम ही कोई ना हो और 100 बार चेहरा देखे तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे रब की रहमत में कमी कोई नहीं, तो एक दिन में 100 बार खुश होके देख अल्लाह तुझे 100 आज का सवाब अता करेगा। बुल्ले शाह आसमानी उड़ दिए फड़ में आ जेड़ा घर बैठा इनू फड़े, ऐसे ना कहा कर कि आज तो सिर्फ अमीरों का है, तू करने वाला बन हज बड़े, करने वाला बन हज बड़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप का चेहरा, और मुस्नद अहमद की रवायत, फरमाया रात जब तू घर आए ना तो माँ बाप की चारपाई पे बैठा कर, दो तीन मीठे मीठे चुगते मीठी मीठी बातें किया कर, हाल पूछा कर, कोई 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 दिल लगी वाली बात किया कर, चारपाई पे बैठा कर। मेरे रसूल फरमाते हैं घर तू उन्हें राजी करने में कामयाब हो गया और तेरी मीठी बातों से वो खुश हो गए, माँ बाप दिल राजी हो गया। पर मैं एक नहीं अल्लाह दो हज और दो उमरे का सवाब अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा से रवायत, मेरे हबीब ने फरमाया जिसने मेरी उम्मती की मुश्किल दूर कर दी, क्या किया? कोई मुश्किल, सिर्फ पैसे की मुश्किल नहीं, रास्ता ही बता दिया, को रास्ता ही समझा दिया, किसी अंधे को सड़क ही पार करा दी, किसी बूढ़े को बाजार से दवाई ला, कोई मुश्किल मेरे उम्मती की उसने अगर पूरी कर दी अल्लाह उसे कबूल आज का सवाब देगा। किस हज का? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं हज करने जा रहा था, मैं हज करने, याद रखें दो हज ऐसे हैं जिनका पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक फर्ज हज, एक कोई बंदा किसी को पैसे दे दे मेरी तरह के जनाब हजरत ये पैसे आपने हज करना है, वो किसी और जगह इस्तेमाल है, हज ही करना पड़ेगा, और एक फर्ज हज के पैसे, नफल हज अगर वो करना चाहता है तो उसके दाएं बाएं गरीब लोग हों तो पहले उनका ख्याल करें, नफल हज के बारे में ये हुक्म है। लेकिन अगर नफल हज भी कोई शख्स करा रहा हो तो फिर वो पैसा वहां इस्तेमाल, जिस काम के लिए दे रहा है, बल्कि लिखा है बुजुर्गों ने नोट भी ना बदले, उसी काम को वो इस्तेमाल करे। खैर तो अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं फर्ज हज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं पहुंच गया कूफे तक, वहां से जा करके कुछ सामान खरीदना था, इहराम खरीदना था, जरूरत की चीजें, दोस्त भी साथ थे, कहते हैं यार मेरे जल्दी थक गए, खरीदारी करके वो चले गए, मैं शाम तक रुका, बड़ा थक गया तो सोचा इतनी लंबी चौड़ी खरीदारी किया तो झील थी पास, मैंने कहा वहां जाके जरा ठंडी हवा लेता हूँ। कहते मैं उस तरफ गया, रात का अंधेरा था, मरी हुई भैंस पड़ी थी, ये कुछ 700-800 साल पहले की बात है इसका। कहते मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते मेरे जहन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है, वैसे तो जसूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाजा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते, कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी दोनों हाथों से, दरवाजा खुला, वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहते कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है
और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ो, ये मुर्दा ही है पका लो। कहते हैं अगले लफ्ज उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदजादियां हैं, सदका जक़ात खा नहीं सकती, पर सब रोगों का रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बला के लंघ जाते सब दोस्त यार करीबी, सैयद है सदका जक़ात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई, हज़रत अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दस हूँ, जमाना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करें, हम जाने हमारा। कहते मैंने जमीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदजादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मैं खादम हूँ, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा, यार कहने लगे चल। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट लोग ताने देते हैं ना, पर ये कर यार दे नाम दा मिले मेना, उन चोली पा लिए पुंजे सुटिए ना, जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लिए पिछाटिए ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते लोग हज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफले लौटे, जाग के सुनना जरा बात, मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल आज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मती हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आया तो मैं बड़ी हसरत के साथ, मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मीना में होंगे, आज वो मुजदलफा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे, मैं तड़प के सोचता था आज दरे रसूल की हाजिरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था, जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाजिरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाजा खोला हाजी साहब ने, मैंने कहा मुबारक हो। कहते मैंने मुबारक दी, जरा सुनिएगा। कहते वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी हो के तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तूने हमें कहा कि जाना नहीं और फिर हम मीना में आवाजें देते रहे, तू बात ही नहीं सुनता था, हम आवाजें देते रहे, इन्नल्लाह आला कुल्ले शैइन कदीर, आवाजें देते थे, सुनता नहीं था। कहते मैं हैरान हूं, मैं यार मैं तो गया नहीं। कहने लगे हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं तो अकेला सच बोलता है, सबने देखा है। कहते मैं पलट आया, चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी और यहां मुबारक है? कहते हैं अरफात में और मैं तो नहीं। कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता है इतना बड़ा मुहद्दिस होके। कहते हैं जब आखिरी काफले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला, हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे, कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में? मैं तो मिल, कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने, तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे, मैं तो संभालते संभालते थक गया हूं। कहते यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी।
कहते हैं मैंने आंख छपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है, ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं उदे गल विच पा लिया बावां, ते डर दी मारी अख भी न खोला किते फेर बिछड़ ना जावा। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले, फरमाया क्या? हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है, मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते हैं तख्त बिठावे, आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं के हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गेल ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए, उसके बाद कितने हज किए? एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक तेरी तरफ से मिना मुजदलफा अरफात जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नाम अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब।